आए हुए हैं मंच में उपस्थित सरकार में हमारा सहयोगी सीनियर लीडर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री सोना मीन जी, असेंबली के हमारे डेप्यूटी स्पीकर श्री तेसम पोंगदेव जी, सरकार में सभी हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर कलीग्स और इस क्षेत्र के और पड़ोसी राज्य और पड़ोसी जिले चंगलांग से आए हुए जितने भी ऑनरेबल MLAs और ईटानगर से हमारे साथ आए हमारे नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री आनंद मोहन जी, कमिश्नर हाइड्रो पावर श्री अंकुर जी, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर SP और सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, और इस गोल्डन जुबली में खास करके पार्टिसिपेट करने के लिए जितनी भी इस स्कूल के फॉर्मर टीचर्स जो लोग आए हुए हैं और साथ साथ इस स्कूल के जितने भी आलमनी यहाँ पे आए हुए हैं, हमें बताया गया करीबन 200 से भी अधिक एक्स स्टूडेंट्स लोग इस सेलिब्रेशन में ज्वाइन होने के लिए आए हुए हैं। और अभी के हमारे यहाँ के प्रेजेंटली जितने भी यहाँ स्कूल के माता जी हैं, टीचर्स हैं और हमारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं भी अपने ओर से शारदा मिशन खोनसा जो आज 50 ईयर्स का जर्नी कंप्लीट किया है, इस शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं सरकार की ओर से और पूरा अरुणाचल प्रदेश का जनता की ओर से। साथ ही साथ जैसे हमारे पूर्व जितने भी स्पीकर्स ने जो शेयर किया है, आज के इस शुभ अवसर पर मैं भी द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री KA राजा जी, उनको भी मैं याद करना चाहेगा और उनके योगदान से आज अरुणाचल प्रदेश जो फर्स्ट जो डेवलपमेंट का जो सीड उन्होंने जो बोझा है उसको चलते हुए आज अरुणाचल जो डेवलपमेंट हुआ है उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। एजुकेशन क्षेत्र में जैसे हम सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय KA राजा जी ने पूरा एजुकेशन में खास करके रामकृष्ण मिशन संस्था के साथ में मिलकर अरुणाचल में बहुत अच्छा अच्छा स्कूल्स यहाँ पर लेके आया, जैसे अपना शारदा मिशन खोनसा हो गया और उसके बाद अपना RK मिशन आलो और RK मिशन देवमाली, इस प्रकार के अच्छा संस्था तो तब से लेके अभी तक अरुणाचल का सेवा में जुड़ा हुआ है। सो उस जमाने जैसे हम सबको पता है कि अरुणाचल वैसे भी टोपोग्राफिकली काफ़ी चैलेंजिंग एक राज्य है, उस वक्त में ना हमारे पास कम्युनिकेशन का नाम पे रोड तो ना के बराबर था, बाकी बिजली और टेलीकम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं था, पर डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस मैं उस वक्त के जितने भी जो हमारे स्वामी जी हैं और उस वक्त के जितने भी हमारे माता जी हैं उन सभी को आज मैं नमन करता हूँ। उन सभी का मेहनत के कारण से आज अरुणाचल प्रदेश में इतना चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल रहा है और आज यहाँ पे जितने भी जो अलमनी इस शारदा मिशन स्कूल खोनसा के अलमनी जो यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं थोड़ा देर पहले जो किताब यहाँ पे सुविनियर जो लॉन्च हुआ है उसको मैं देख रहा था, तो मैं देख के काफ़ी सरप्राइज हो गया कि लगभग सभी गवर्नमेंट के जितने भी जो एजेंसीज या डिपार्टमेंट उसमें यहाँ के जो एक्स स्टूडेंट्स लोग अभी डिपार्टमेंट में काम करके इस राज्य को आगे लेने में आप लोग बहुत सहयोग भी कर रहा है। एंड नॉट ओनली दिस, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय आवर असिस्टेंट सेक्रेटरी माता जी ने कि एब्रॉड में भी हमारा इस स्कूल के बच्चे लोग वहाँ पर भी एब्रॉड में भी काफ़ी कंट्रीज में सर्विस योगदान दे रहा है, तो ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का बात है। श्री शारदा मठ का स्थापना 1954 से लेके अभी तक के जर्नी में अक्रॉस कंट्री में अराउंड 33 सेंटर्स खुला गया है और 2 सेंटर एब्रॉड में भी चल रहा है, तो खास करके हमारे इस देश का जो हमारा जो महिला शक्ति है वो बहुत ही लाजवाब है, महिलाओं में काफ़ी बड़ा एक क्षमता है। अगर अरुणाचल राज्य के बारे में बात करें तो थोड़ी देर पहले हमारा एजुकेशन मिनिस्टर ने भी यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे रखा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे अपने कुछ बात रखा, तो कुल मिला के अरुणाचल के जो हमारा जो महिलाओं लोग हैं वो काफ़ी मेहनती भी है, दे आर दी होम मेकर्स, बाद में जाके वो लोग फिर अच्छा एक डिसीजन मेकर्स भी होता है। तो कुल मिला के अरुणाचल का जर्नी में अभी DCM साहब ने जो मेंशन किया
वी हैव सेलिब्रेटेड द नेमिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो 1972 में नामकरण हुआ था, उसका गोल्डन जुबली हम लोग ने पिछले साल हम लोग ने मनाया है। तो उस दौरान से तब से लेके अभी तक में अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, और आशा करता हूँ और पूरा यकीन भी है कि आगे का जर्नी में भी हमारा अरुणाचल का महिलाओं लोग काफ़ी बड़ा योगदान इस प्रदेश को देगा, जो कि आने वाला दिनों में इस देश को भी और भी सक्षम बनाएंगे। नाउ वेरी रिसेंटली वी हैव कम्प्लीटेड द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव एट कर्तव्य पर्व, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को वहाँ से एड्रेस किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि आज़ादी का 75 सालों में ऐसे बहुत सारा अनसंग हीरोस हैं, सभी समाज में बहुत सारा अनसंग हीरोस हैं, जो आज के दिन में उसके बारे में अपने ही लोगों को जानकारी नहीं होता है। तो उन्होंने जो एक रास्ता दिखाया, एक संकल्प जो दिखाया, उसको हम लोग ने अपने राज्य में भी उसको इम्प्लीमेंट किया। हम लोग ने एक हाई लेवल एक कमिटी का गठन करवाया, जिसका हेड अपना माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चौदामिन जी के अध्यक्षता में पूरे अरुणाचल में हमारा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो रिसर्च डिपार्टमेंट और हिस्ट्री डिपार्टमेंट का साथ में कमिटी बना के रिसर्च बेस करके अरुणाचल में जितने भी जो अनसंग हीरोज है उसका हम लोग ने छानबीन करके सबका नाम को है फिर दोबारा से उसको जीवित किया। जीवित करके अभी उसको मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा है कि उसका कैरिकुलम में अपने अरुणाचल के जितने भी जो अनसंग हीरोज हैं उनके कहानी के साथ में सिलेबस में घुसा के अपने स्कूल में हम लोग सर्कुलेट करेंगे। होपफुली बाय नेक्स्ट सेशन ये पूरा एक सिलेबस जो है पूरे अरुणाचल के स्कूल में ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बढ़ते हुए जो हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो प्रगति हो रहा है, मॉडर्निटी हो रहा है, उसमें हमेशा हम सभी को जो फॉर्मर अपने जो अनसंग हीरोज हो गया और अपने समाज में जिन्होंने जो योगदान दिया है उसको हमेशा हम लोगों को याद करना चाहिए। और जितने भी जो अनसंग हीरोज हैं उनके नाम पे हम लोग ने अभी म्यूज़ियम बनाने का, मेमोरियल बनाने का भी अप्रूवल सरकार की ओर से दे दिया है, ताकि जो युवा पीढ़ी है अरुणाचल प्रदेश का वो अपने स्टेट के बारे में जानकारी हो। और ये कहते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे आप सब लोग का पता है अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत बड़ा राज्य है। इफ़ यू कंपेयर विद इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और थोड़ा देर पहले मैंने जो कहा कि टोपोग्राफिकली कंट्री का भी ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एक रीजन भी होता है, बट सेइंग सो अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी बड़ा पोटेंशियल भी है। तो अभी का जो हमारा जो टीम अरुणाचल का जो सरकार है वो सब लोगों का साथ में मिलकर इट्स ए वेरी इंक्लूसिव गवर्नमेंट, सबका हम लोग एडवाइस सुनते भी हैं और हम लोग पॉलिसी जो बनाते हैं, जो माननीय पीएम साहब ने जो संकल्प दिया है पूरे देश को कि वी शुड बी आत्मनिर्भर, हम लोग अपने पेड़ों में अभी खरा उतरना चाहिए। सो उसी संकल्प में उसी दिशा में गवर्नमेंट का पॉलिसी हम लोग बना रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है चैलेंज तो ज़रूर है, मगर उससे भी ज़्यादा पोटेंशियल ज़्यादा है हमारे पास। सो उस पोटेंशियल एवेन्यूज़ को देखते हुए जो हमारा रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस को हम रेवेन्यू में कैसे कन्वर्ट कर पाए ताकि अपने राज्य को सेल्फ सस्टेन होने के लिए। तो पिछले 7-8 सालों में, लास्ट 7-8 ईयर्स में एक बड़ा मेजर जो हम लोगों का फिनेंशियल जो रिफॉर्म्स हम लोग ने जो लेके आया उसमें काफ़ी बड़ा अचीवमेंट हम लोग ने दिखा पाया है। 2015 तक अरुणाचल का जो राज्य का जो इनकम था केवल साल में 900 करोड़ ही हुआ करता था। तो अभी आफ्टर 8 ईयर्स अभी देखा जाए तो नाउ वी हैव क्रॉस्ड एनुअली आवर स्टेट इनकम मोर देन 3500 करोड़। तो आने वाला दिनों में अभी जैसे मैंने कहा कि जो रिसोर्स को रेवेन्यू में किस प्रकार से कन्वर्ट करना है, पॉलिसीज हम लोग ने उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, हर एक साल जो है अपना स्टेट का रेवेन्यू भी हम लोग ऊंचाई में लेके जाएंगे। ये बात जो मैं इसलिए आप लोगों को शेयर करता हूँ क्योंकि आप कुछ भी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, चाहे एजुकेशन क्षेत्र में हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, कम्युनिकेशन या जो भी, चाहे
ऑफिसेज का हो, क्वार्टर्स का या टू ने बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे पहले हम लोगों का रेवेन्यू को हम लोग देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे रेवेन्यू आपका बढ़ेगा, इसका मतलब आप डेवलपमेंटल काम भी उतना ही आप एक्सपांड कर पाएंगे, आप उतना ही लोगों के लिए काम कर पाएंगे। फॉर लास्ट 9 ईयर्स जो डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, वी मस्ट थैंक द विजन एंड सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो पहले सिचुएशन ऐसा था, यहाँ पे अभी बहुत सारा सीनियर माताजी लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगभग आप सभी लोग किसी न किसी टाइम पर इस संस्था स्कूल के साथ में जुड़ा हुआ है, और साथ साथ जो फॉर्मर टीचर्स लोग जो आज यहाँ पे आए हुए हैं, आप सबको पता है कि पहले यहाँ ईस्टर्न अरुणाचल में आने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता था। बहुत सारा इवन गाड़ी को भी फेरी में लोड करके लेके आना पड़ता था, बहुत सारा कठिन हम लोगों को उठाना पड़ता था। मगर आज देखिए, आज आप लोग शायद डिब्रूगढ़ से बाई रोड आए होंगे, तो रोड में कितना अभी चेंजेस हम लोग ने लेके दे पाया है। तो ये जो डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है, पूरा अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न अरुणाचल से लेके पूरा वेस्टर्न अरुणाचल, पूरा हाईवेज का काम अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। डिस्ट्रिक्ट जितने भी है, उस डिस्ट्रिक्ट को भी पूरा हम लोग हाईवे से कनेक्टिविटी हम लोग दे पाया है इन लास्ट 9 ईयर्स का इस बीच में। तो पहले अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी के नाम में एयरपोर्ट तो बहुत दूर की बात था, मगर रिकॉर्ड टाइम में ईटानगर में अभी एयरपोर्ट भी बन गया है। पिछले साल से फ्लाइट सर्विस भी शुरू हो गया है, दिल्ली जाना हो तो डायरेक्ट फ्लाइट का सुविधा वहाँ से कर दिया है। और जितने भी जो पुराना जो 1962 का जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो बनाया था, जो पूरा डिलापिडेट कंडीशन में था, उसको भी हम लोग ने पूरा अभी बना के एक डेडिकेटेड एक नया एयरपोर्ट की तरह हम लोग ने वहाँ पे काम कंप्लीट कर दिया। एंड तेजू और पासीघाट में भी उड़ान स्कीम में फ्लाइट कनेक्टिविटी ऑलरेडी वहाँ से भी सेवा चल रहा है। सो इस प्रकार से बहुत मेजर काम हुआ। आज डेवलपमेंट का काम के बारे में फोकस करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो बेसिकली एजुकेशन क्षेत्र में, क्योंकि ये अपना आज गोल्डन जुबली शारदा मिशन स्कूल का है, तो एजुकेशन में देखिए कि अभी हमारा मिनिस्टर साहब ने भी जो कहा कि गवर्नमेंट का पॉलिसीज के मुताबिक हम लोग अभी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर्स का ऊपर में काफ़ी सपोर्ट दे रहा है, और डीसीएम साहब ने जो कहा कि हमारा रामकृष्ण मिशन जो बॉयज़ स्कूल है और अपना शारदा मिशन स्कूल है जो गर्ल्स स्कूल है, उसको भी हम लोग काफ़ी सपोर्ट हम लोग दे रहा है। और VKV जो स्कूल्स है, आई थिंक मोर देन 40 स्कूल्स अभी हम लोग ने बना दिया, तो उसको भी हम लोग पूरा हैंड होल्ड करके हम लोग सपोर्ट कर रहा है। तो एजुकेशन में अभी एक बड़ा एक चैलेंज जो मैं देख रहा हूँ कि ये है कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, उसको 2020 में रोल आउट, मतलब उसको अनाउंस किया गया है। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट एजुकेशनल रिफॉर्म इन आवर कंट्री। कंट्री में इतना बड़ा एजुकेशन रिफॉर्म किसी ने किया नहीं है। तो PM साहब ने बहुत बड़ा रिफॉर्म लेके आया है NEP 2020 के रूप में। उसको अभी सभी राज्यों में बाई 2030 हम सबको इम्प्लीमेंट करना है। सो इम्प्लीमेंटिंग दिस NEP इज अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, बहुत चैलेंजिंग है। इसमें डिपार्टमेंट को मैंने Day 1 से ही डायरेक्टिव्स दे के रखा कि हाउ टू रोल आउट द NEP बाई इन टोटो बाई 2030। सो डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एक टास्क फोर्स का भी गठन किया। सो उस टास्क फोर्स का रिकमेंडेशन का मुताबिक हमारा जो बजटिंग में भी एजुकेशन क्षेत्र में किस प्रकार से हम लोग बजट प्रोवाइड कर रहा है, अकॉर्डिंगली हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। मगर इसमें अभी एक चीज़ तो ये है कि अरुणाचल प्रदेश में स्कूल्स का जो संख्या है, DCM साहब ने जो कहा कि प्री इंडिपेंडेंस अगर हम लोग देखा जाए, सो प्री इंडिपेंडेंस आई थिंक वी जस्ट हैड ओनली 5 प्राइमरी स्कूल्स। अभी का टाइम में वी हैव टच्ड अराउंड 3000 गवर्नमेंट स्कूल्स। ये आंकड़ा सुनने के लिए तो बहुत अच्छा आंकड़ा है, 3-5 स्कूल से लेके 3000 स्कूल पहुंच गया। मगर हमारा थोड़ा सा एक कंसर्न हमेशा यही रहा, खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स में, कि स्कूल्स तो हम लोग ने इतना ज़्यादा बना दिया, मगर क्वालिटी एजुकेशन में कमी नहीं होना चाहिए। और फोकस
towards upliftment of education should be on quality basis, not on quantity. तो शायद मैं ही ऐसे शायद एक मुख्यमंत्री होगा जो स्कूल बढ़ाने का वजह स्कूल हमने घटाया. In my tenure in last 7 to 8 years, I have shut down around 600-700 schools. Around zero enrollment school, around 400 schools shut down कर दिया और स्कूल को merging करते हुए बाकी schools को भी हमने shut down कर दिया. क्योंकि government का बहुत अच्छा एक policy था कि right to education. Right to education was a very good concept from government of India. मगर unfortunately हम लोगों का राज्य में उसको अच्छा से think tank के थ्रू से सोच विचार करके स्कूल को implement नहीं किया. Rampantly स्कूल इतना खोल दिया कि वहाँ में बच्चा का संख्या numbers कम, teachers का भी numbers कम, तो quality education में बड़ा impact हो गया इससे. तो इसलिए मैंने कहा कि स्कूल खोलना है तो अच्छा स्कूल हम लोग का खोलेंगे. जितने भी ये सब स्कूल जो डिफंक होके बैठा हुआ है या जो जिसमें संख्या कम है उसको मर्ज करके आगे बढ़ाना है. तो एक गांव में 3 स्कूल के जगह में अगर आप एक स्कूल को रखते हैं तो उसमें गवर्नमेंट के ओर से भी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट या नंबर ऑफ टीचर्स को भी हम लोग वहाँ पर अच्छा से हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे. और स्टूडेंट्स में भी एक स्कूल में संख्या ज़्यादा होने से आपस में एक कंपटीशन का एक माहौल भी बन जाता है. सो ऐसे करके अभी एजुकेशन का जो रोड मैप है इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर अस, लेकिन हम लोग इसको रोल आउट हम लोग ज़रूर करेंगे. और इसके अलावा बहुत सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हम लोग ने खोला है. जैसे मिनिस्टर साहब ने जो कहा कि एकलव्य स्कूल, कस्तूरबा गांधी स्कूल, इसके बाद हम लोग ने जो पहला यूनिवर्सिटी अपना राज्य का अरुणाचल यूनिवर्सिटी को भी पासीघाट में इस साल से हम लोग सेशन स्टार्ट कर दिया है. बहुत सारा हायर एजुकेशन में कॉलेजेस हम लोग ने खोला है. सो इस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन में हम लोग काफ़ी फोकस कर रहा है. गवर्नमेंट क्षेत्र में टीचर्स लोगों के लिए सैलरी बढ़ाना हो या जो भी सपोर्ट देना हो वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट उसमें हम लोग काम करके सुविधा भी पूरा प्राप्त करके दे रहा है. तो अरुणाचल जैसे कहा कि जियोग्राफिकली इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट, इट इज़ द बिगेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट. सो एजुकेशन का शुरुआत भी हम लोगों का थोड़ा सा लेट से ही हुआ है. एंड आई थिंक शारदा मिशन और आरके मिशन, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप खास करके सेंट्रल अरुणाचल एंड ईस्टर्न अरुणाचल यहाँ के जनता आप लोग काफ़ी ब्लेस्ड है. क्योंकि ये जो दो संस्था यहाँ पे आके शुरुआत से ही जो एजुकेशन में फोकस किया है, आरके मिशन आलो, आरके मिशन दियोमाली और शारदा मिशन यहाँ पे खुनसा में, तो ये 3 जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट के कारण से हमारा सेंट्रल अरुणाचल और ईस्टर्न अरुणाचल के लोगों को बहुत अच्छा एजुकेशन में सपोर्ट मिला है. अनफॉर्चुनेटली हमारा जो वेस्टर्न अरुणाचल में अपना शारदा मिशन और रामकृष्ण मिशन वहाँ पे आना नहीं हुआ. तो मैंने अपना स्वामी जी का साथ में बेलूर मठ में अपना मिनिस्टर को भेज के स्वामी जी को भी इन्वाइट किया. तो हमने रिक्वेस्ट डाला कि हमारा वेस्टर्न अरुणाचल में भी इस तरह का एक संस्था होना बहुत ज़रूरी है. तो हमारा रिक्वेस्ट को मानते हुए नाउ वी हैव स्टार्टेड रामकृष्ण मिशन एट सेपा, वहाँ पे लमडुंग एक एरिया है, वहाँ में हम लोग ने स्टार्ट कर दिया. इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सुंदर वहाँ पे बन रहा है. और साथ साथ जैसे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर वांकी जी ने जो कहा कि शायद यहाँ पे 2008-09 में जो इंसिडेंट खुमसा में जो हुआ है उसको चलते हुए फिर दिरांग में हमारा स्वर्गीय पिताजी दोरजी खंडू ने वहाँ पे शारदा मिशन दिरांग में स्थापित वहाँ किया. शारदा मिशन दिरांग में तो माता जी के साथ में मेरा आना जाना हमेशा होता है. बीच बीच में जब भी मौका मिलता हूँ वो स्कूल में भी हम विजिट करते हैं. तो अभी मैं थोड़ा देर पहले जो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जो बात कर रहा था और माता जी ने बताया कि आपके जितने भी जो अलमुनी है कुछ लोग पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वापस फिर अपना गांव में आके आप लोग योगदान दे रहा है ताकि अपना समाज को आगे लेके जाने के लिए. सो इसमें अभी जितने भी जो अलमुनीस आप लोग आए हुए हैं, जो आप लोग गांव में बैठ के गांव का पंचायत सिस्टम को या गांव का जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ को आप लोग एड्रेस करने में रूट में बैठ के जो काम कर रहे हैं, मेरा आपसे ये निवेदन होगा कि अभी हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार की ओर से सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मिशन है उसको हम लोग बहुत एग्रेसिवली पूरे अक्रॉस स्टेट में हम लोग रोल आउट कर दिया है.
प्रेजेंटली वी हैव अराउंड 85,000 वुमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और CLF PLF के नाम से अरुणाचल सरकार के साथ में जुड़ के ग्रास रूट लेवल में वो लोग अपना इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है। ये देश का प्रधानमंत्री का एक विजन है कि हमारा देश तभी डेवलप होगा जब नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा, और मेरा ये कहना है कि नॉर्थ ईस्ट भी तभी डेवलप होगा जब अरुणाचल डेवलप होगा, अरुणाचल तभी डेवलप होगा जब अपना गांव डेवलप होगा, और गांव तभी डेवलप होगा जब तक हमारा महिलाओं को सक्षम हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि गांव का डेवलपमेंट के लिए वुमेन्स दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज एक और खुश खबर आप लोगों को देना चाहेगा कि अरुणाचल प्रदेश, जैसे मैंने कहा कि बहुत पोटेंशियल एक राज्य है, वी आर नोन फॉर आवर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। सो कल ही एक MOU हुआ है दुबई बेस्ड कंपनी के साथ में, फॉर नेक्स्ट 5 years अरुणाचल से ऑरेंजेस और वेजिटेबल्स यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएंगे मिडिल ईस्ट में। तो कल ही एग्रीमेंट हुआ है हमारा अरुणाचल प्रदेश मार्केटिंग एजेंसी के साथ में, तो मैं यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर और एग्रीकल्चर ऑफिसर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर आप सभी से निवेदन करेंगे कि आपके इस डिस्ट्रिक्ट में भी अगर कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने लायक है तो हमारा एग्रीकल्चर बोर्ड के साथ में आप लोग टाई अप कीजिए ताकि यहाँ के फार्मर्स को और भी सपोर्ट मिल पाए। सो अकॉर्डिंगली हमारा जो विलेज का इकोनॉमी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सरकार की ओर से काफ़ी सपोर्ट हम लोग दिया जा रहा है वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप को, बैंकिंग नेटवर्क के साथ में हम लोग उनको जोड़ रहा है ताकि प्रोफेशनली दे मूव फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के तौर पे। तो इस क्षेत्र में जितने भी यहाँ में अलमनी है आप सबसे मैं ये निवेदन करता हूँ। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी जैसे DCM साहब ने जो कहा कि यू नो अरुणाचल में अभी हम लोग काफ़ी ऊंचाई तक लेके आ पाया है, पहले स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पूरे देश भर में अरुणाचल जो है सबसे बॉटम स्टेट हुआ करता था, मगर पिछले 7-8 years में जो सपोर्ट खास करके यूथ डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए सरकार ने जो किया है, आज नॉर्थ ईस्ट में हम लोग काफ़ी ऊंचाई में है। अभी नेशनल गेम्स वहाँ गोवा में चल रहा है तो वहाँ में भी हमारा गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल काफ़ी अच्छा में हम लोग को मिला है। सो धीरे धीरे हमारे बच्चे में काफ़ी टैलेंट है, केवल उनको अच्छा एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो सरकार की ओर से हम लोग तैयारी करके हम लोग दे रहा है। तो अभी हमारा जो हमारे वांगडिन लोवांगडोंग साहब है जो हमारा सीनियर कलीग है तो उनके ओर से भी जो यहाँ पे जो बातें जो रखा है कि शारजा मिशन को अभी उसका फ्यूचर का जर्नी किस प्रकार से होगा। सो बिफोर आई कमेंट इनटू दैट मैटर, मैं अपनी ओर से जितने भी जो यहाँ के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ बोर्डुरिया, चीफ ऑफ नामसांग और चीफ ऑफ खोंसा, आप सभी परिवारजनों को हमारे पूरे अरुणाचल राज्य की जनता की ओर से बहुत धन्यवाद कि उस वक्त जब स्कूल स्थापना करने का जो एक प्लानिंग किया गया तो यहाँ पे मोर देन 30 acres आप लोग ने फ्री ऑफ कॉस्ट इस संस्था को डोनेट किया, जिसका बदौलत ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे हम लोग ने बना पाया है। तो अभी जो फ्यूचर जो रोड मैप है, ये देखिए एजुकेशन जो है वो हम सब का टॉप प्रायोरिटी है, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये जो जो दो जो पिलर्स है वो हर एक सरकार का टॉप प्रायोरिटी ही होता है। और जैसे मैंने कहा कि नाउ वी हैव टू रोल आउट दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन आवर स्टेट, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो वहाँ पे मेंशन है कि स्कूल्स में आपका क्लास 8 इसके बाद या तो फिर क्लास 12 तो बीच का जो इंटरमीडिएट ये सेकेंडरी लेवल को फिर एबोलिश करना होगा। तो उसमें तो देखिए एक बार आगे कदम आगे बढ़ गया तो कदम को आगे बढ़ाते ही जाना है, पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं होता है। इस दौरान मैं यहाँ पे माताजी जो आए हुए हैं अपना श्री शारदा मिशन मठ से और अपना सेक्रेटरी माताजी है, आप सभी को मेरा ये अनुरोध भी करेंगे और सरकार की ओर से आपको आश्वासन भी हम देंगे कि आपका इस स्कूल को अपना इस स्कूल को हायर सेकेंडरी में लेके जाने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप है और साथ साथ जो सबसे जो चैलेंजिंग जो बात है वो अपना वांकी साहब ने भी हमको बताया अभी कि यहाँ पे टीचर्स का सैलरी को लेके भी थोड़ा सा इश्यूज हो रहा है।
तो आरके मिशन स्कूल और शारदा मिशन स्कूल, आरके मिशन आलो हो गया, आरके मिशन जयमाली हो गया, शारदा मिशन खोमसा एंड शारदा मिशन दिरा, तो ये चारों जो इंस्टीट्यूशंस के लिए एनईपी को रोल आउट करने के लिए सरकार की ओर से आप लोगों को जो सैलरी का जो गैप होता है उसको भी हम ग्रांट इन एड के तौर पे आपको सपोर्ट करेंगे, और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हम गवर्नमेंट की ओर से आपको हम सेंक्शन करके देंगे, क्योंकि इतना अभी आज हम लोग 50 साल हो गया है इस संस्था का, अभी आगे का जो जर्नी है जब हम लोग प्लेटिनियम इसका सेलिब्रेशन करेंगे 75 इयर्स का, और बाद में जाके जो 100 ईयर सेंटिनरी सेलिब्रेशन करेंगे, और वैसे भी अपना शारदा मिशन खोनसा जो है आप लोग बच्चे को स्टेम जो अभी बताया गया कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एंड मैथ्स इंजीनियरिंग एंड मैथ्स स्टेम उसको लेके आप लोग काफ़ी प्रमोशन बच्चे को बच्चे लोगों को दे रहा है बोल के बताया, तो उसमें आई थिंक क्लास 11 और 12 का नहीं होने से फिर उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी एम्पावर कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए मेरा ओर से भी निवेदन होगा एंड गवर्नमेंट की ओर से पूरा 101% एश्योर्ड है जो आपका सैलरी गैप है उसको ग्रांटिंग एड के तौर पर ईयरली हम लोग दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो अभी हमारे पास केवल सिर्फ 7 वर्ष ही है, 2023 अभी ख़त्म होने वाला है, सो 24 से लेके 2030 तक जो ये 6 सालों में कैसे एनईपी को रोल आउट करना है, तो उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाना चाहिए, टीचर्स का भी रिक्रूटमेंट और भी हो जाना चाहिए, बिफोर 2030 वी हैव टू रोल आउट द एनईपी इन शारदा मिशन खोनसा। तो इतना कहते हुए आई थिंक क्योंकि हमको फिर वापस भी जाना है, तो आज जितने भी जो माता जी जो अलग अलग राज्य से जो आया है, अलग अलग अपना जो सेंटर से जो आए हुए हैं, और टीचर्स जो फॉर्मर टीचर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी को दोबारा इस सुंदर प्रदेश में मैं स्वागत करता हूँ, और आप सभी लोग यू आर लाइक एन ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अभी अरुणाचल प्रदेश जो है काफ़ी आगे बढ़ रहा है, इसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है, आप सभी का जो योगदान को आज एक्नोलेज करते हुए जितने भी हमारा जो सीनियर माता जी हैं उस ज़माने में जो माता जी लोग इस संस्था में जो काम किया है, और साथ साथ यहाँ के जो लोकल चीफ्स और लोकल फॉर्मर लीडर्स उन सभी को मैं एक बार फिर अपना राज्य सरकार के ओर से और अपना अरुणाचल प्रदेश का पूरा जनता की ओर से धन्यवाद देते हुए आप सभी को एक बार फिर इस गोल्डन जुबली के शुभ अवसर पर ढेर सारा शुभकामनाएँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय अरुणाचल। Thank you, sir. So, and it's very true that the picture of Arunachal Pradesh has changed a lot under the able leadership of our Chief Minister, very young Chief Minister we have, but who has a very great vision for the state, and he's taking it forward very enthusiastically.